गाइस, जब भी पतंजलि का नाम आता है तो हमारे मन में पहला ख्याल बाबा रामदेव का आता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पतंजलि के मालिक बाबा रामदेव है ही नहीं। जी हाँ गाइस, अब ठीक सुन रहे हैं, क्योंकि पतंजलि के मालिक आचार्य बालकृष्ण जी हैं, जिनके पास कंपनी के 94% शेयर्स हैं। वहीं 6% शेयर्स एक NRI कपल के पास हैं, जिन्होंने बालकृष्ण जी को 2007 में 60 करोड़ रुपए का लोन दिया था और तभी पतंजलि की शुरुआत हुई थी। और मजे की बात यह है कि बाबा रामदेव, जिनके पास पतंजलि की 0% होल्डिंग है, वो सिर्फ पतंजलि का चेहरा है। और इसी चेहरे से आज पतंजलि की सालाना कमाई 9,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। गाइस, क्या आप इससे पहले तक पतंजलि का इफेक्ट जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, ये बात है साल 2015 की, जब इंडियन गवर्नमेंट ने मैगी को बैन कर दिया था। तब रातों रात मैगी की 80% मार्केटिंग से उसका मार्केट शेयर 0% हो गया था। लेकिन गवर्नमेंट के बैन के लगाने के बावजूद भी मैगी ने अपनी मार्केटिंग नहीं रोकी, क्योंकि मैगी को पता था कि उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनके कस्टमर्स और उसकी पॉपुलैरिटी। और मैगी ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उनकी पॉपुलैरिटी थोड़ी भी कम हो। इसीलिए मैगी ने बैन होने के बावजूद भी वी मिस यू 2 टाइप के इमोशनल हैशटैग ट्रेंड कराए, जिसके कारण लोगों के दिमाग से मैगी कभी गायब भी नहीं हुआ। उस वक्त मैगी के सारे एड कैंपेन लोगों के इमोशन से सीधे जुड़े रहे थे, जिसके कारण लोग मैगी को और ज्यादा मिस करने लगे। और इसीलिए मैगी के फिर से लॉन्च होते ही मैगी ने कुछ टाइम में ही 57% मार्केट शेयर कैप्चर भी कर लिया था और एक बार फिर मैगी मार्केट लीडर बन गई। गाइस, मैगी की एक गजब की मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसे ही अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गाइस, किया कार कंपनी साल 1997 में बैंकरप्ट हो गई थी, लेकिन जब ये इंडिया में लॉन्च हुई तो फिर एक ही साल में वर्ल्ड वाइड 3 मिलियन से ज्यादा कारें बेचकर 4,700 करोड़ रुपए का रिवेन्यू जनरेट कर लिया। जी हाँ गाइस, अब ठीक सुन रहे हैं। और ये सब उसने किया अपने शानदार स्ट्रेटजी के दम पर। किया कंपनी का ये मानना है कि अपना पहला प्रोडक्ट कभी भी फेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर कमबैक करने में बहुत मुश्किल होती है। और इसीलिए जब ये इंडिया में अपनी पहली कार लॉन्च कर रहे थे तो उसने इंडियंस कार पर बहुत रिसर्च की और पाया कि ज्यादातर इंडियंस 8 से 10 लाख रुपए की कार अच्छे माइलेज और फीचर्स के साथ खरीदना पसंद करते हैं। तब जाकर उन्होंने एक मिनी SUV लॉन्च की, जिसका नाम था किया सेल्टोस, जिसने पहले ही दिन 6,000 बुकिंग उठाई और अगले 3 महीने में टोटल 85,000 बुकिंग उठाई और सारी कार कंपनियों के होश उड़ा दिए। और महज 2 साल के अंदर किया इंडिया की टॉप 5 कार कंपनियों में शुमार हो गई। गाइस, किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए स्ट्रेटजी बनाना बेहद जरूरी है। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, हम ये तो जानते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सेल्फी लेना, जो आज दुनिया में बहुत ही लोकप्रिय चलन है, इसकी शुरुआत भी एक बंदर के हाथों से हुई थी। सेल्फी शब्द अंग्रेजी के सेल्फ शब्द से बना है। इस प्रकार सेल्फी का सीधा सा मतलब स्वयं के द्वारा खींची गई खुद की तस्वीर से है। दरअसल इसकी धमाकेदार शुरुआत 2011 से हुई थी, जब नरूटो नाम के मकाऊ प्रजाति के बंदर ने इंडोनेशिया में ब्रिटिश वन्यजीव फोटोग्राफर डेविड स्लॉटर के कैमरे का बटन दबाकर एक सेल्फी ले ली थी। सेल्फी शब्द को 2013 में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में शामिल किया गया था। हालांकि सेल्फी शब्द का पहली बार उपयोग फोरम ABC ऑनलाइन नामक वेबसाइट ने 13 सितंबर 2002 को किया था। कहा तो ये भी जाता है कि अमेरिका के फोटोग्राफर रॉबर्ट कॉर्नेलियस ने सन 1839 में पहली सेल्फी ली थी। गाइस, क्या आपको सेल्फी का ये इतिहास पहले से पता था? कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। रशिया और यूक्रेन के बीच महीनों से चल रहा तनाव आखिरकार युद्ध में बदल ही गया। रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है, जिसमें कई लोगों की जान तक चली गई है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस बीच धमकी देते हुए ये कहा है कि बाहर से कोई भी देश इसमें दखल देने की कोशिश ना करे। अगर वो ऐसा करता है तो उसे ऐसे परिणाम भुगतने होंगे जो उसने इतिहास में कभी भी सोचे नहीं होंगे। और पुतिन का ये इशारा साफ तौर पर अमेरिका को था, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन के सपोर्ट में है। लेकिन चाइना ने रशिया का सपोर्ट करते हुए सारे सैंक्शंस हटा दिए हैं। अब इंडिया के जवाब पर पूरी दुनिया की नजर है। आपको क्या लगता है कि इंडिया इस युद्ध में शामिल होगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते अगली वीडियो में। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। डाउनलोड राइट नाउ।